स्टूडेंट्स, एक नौलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम भाग दो का अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। अगला कलचुरी शासक। तो पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं पृथ्वीदेव प्रथम तक, अब उसके बाद पढ़ते हैं जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है भाई। तो जाजल्यदेव प्रथम इनका कार्यकाल देखते हैं 1095 से, ठीक है, 1120 ईस्वी तक, ठीक। जाजल्यदेव प्रथम ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखना है हमको जाजल्यदेव प्रथम का। ये पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र थे, ठीक, और ये जो है कलचुरी शासक के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलचुरी के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे ये, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे ये, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे कौन? जाजल्यदेव प्रथम। और ये जाजल्यदेव के बारे में देखते हैं कि ये जाजल्यदेव जो है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र को विजित किए हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं कि इनका जो है, देखिए जाजल्यदेव प्रथम ये जो है आपका गंगवंशी, सॉरी, आपका ये जो सोमेश्वर देव शासक थे, ठीक है, सोमेश्वर देव, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को दंड देने के उद्देश्य से, ठीक है, दंड देने के उद्देश्य से वहां आक्रमण किया और उसकी राजधानी को जला दिया, तहस नहस कर दिया सोमेश्वर का ना, और पूरे परिवार को बंदी बना करके ले आया ये, ठीक है, पूरे परिवार को, सोमेश्वर देव को पूरे परिवार को क्या कर लिया, बंदी बना करके ले आया। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर, ठीक है, किसके वहां कहने पर, गुंड महादेवी, ये इनकी माता थी, ठीक है, सोमेश्वर देव की, ठीक है, तो इनके कहने पर ये क्या किया, इनको मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो सोमेश्वर देव ये, ठीक है, सोमेश्वर देव को ये क्या किया, पराजित किया और दंड देने के उद्देश्य से पूरे परिवार को बंदी बना करके अपने यहाँ ले आया, ठीक। उसके बाद जो है ये उड़ीसा के सुवर्णपुर, ठीक है, उड़ीसा के सुवर्णपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या, उड़ीसा के सुवर्णपुर के राजा, ठीक है, सुवर्णपुर के राजा को भी इन्होंने पराजित किया, ठीक है, उड़ीसा के सुवर्णपुर के राजा को भी इन्होंने क्या किया, पराजित किया और इसे भी बंदी बना लिया, ठीक है, इसे भी बंदी बना लिया। तो इसके, इसकी शक्ति का, इसकी समृद्धि का स्पष्ट रूप से पता चलता है, ठीक है, सुवर्णपुर के राजा का, सुवर्णपुर के राजा को पराजित किया इन्होंने, ठीक है। अब इनका जो राजपाट है, इनका जो राज्य क्षेत्र था, ये काफ़ी विस्तृत था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये इसके क्षेत्र है, इसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल था। तो लांजिका, ठीक है, लांजिका क्षेत्र को विजित किया था इन्होंने, लांजिका भाड़र, लांजिका भाड़र, ठीक है, और तलहारी मंडल, ठीक है, दंडकपुर। तो इस तरह से इनका राज्य काफ़ी विस्तृत था, ठीक है। तो इनकी शक्ति और समृद्धि का पता चलता है, ठीक है, किसका, ये हमारे जाजल्यदेव का, ठीक है। जाजल्यदेव जो है, जाजल्यदेव प्रथम जो है, ये काफ़ी शक्तिशाली थे, पहले ही बताया मैं। और ये जो है अपना गज शार्दुल की उपाधि भी धारण किए थे ये, ध्यान रखिएगा, गज शार्दुल, ठीक है। गज शार्दुल का मतलब क्या होता है जी? गज शार्दुल मतलब होता है हाथी का शिकार करने वाला, क्या, हाथी का शिकारी, ठीक है, हाथी का शिकार करने वाला, ठीक है, ये कहलाता है गज शार्दुल। तो इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था, किसने, जाजल्यदेव प्रथम ने, ठीक है। तो इस तरह से जाजल्यदेव प्रथम का वीरता इनके क्षेत्र से देखा जा सकता है। और ये जाजल्यदेव ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जाजल्यपुर शहर बसाया, ठीक है, क्या, जाजल्यपुर शहर बसाया इन्होंने, जाजल्यपुर शहर जो वर्तमान में, ठीक है, ये जो जाजल्यपुर शहर है इसको वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं, जांजगीर, ठीक है। और इसीलिए इस जांजगीर में प्रत्येक वर्ष जाजल्यदेव महोत्सव भी मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई, क्या, जाजल्यदेव महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, जाजल्यदेव महोत्सव। और इन्होंने क्या किया कि पाली के जो शिव मंदिर है, ठीक है, बाणवंशी शासक, ठीक है, विक्रमादित्य ने बनाया था, ठीक है, तो पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्होंने कराया था, पाली शिव मंदिर का, ठीक है, किसका, शिव मंदिर का, ठीक, जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था,
किसने? जाजल्य देव ने, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम ने जीर्णोद्धार कराया था पाली के शिव मंदिर का। और छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम इन्होंने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे भाई, ठीक है, क्या किए थे? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और इसी स्वर्ण सिक्के पे इन्होंने क्या किया था, अंकित करा दिया था श्री मज्जा जल्यदेव, ठीक है, और गज शार्दूल चित्रित करा दिया था, गज शार्दूल, ठीक। तो इस तरह से एक महाप्रतापी राजा थे, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे, किसके? कलचुरी वंश के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए अब देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग जाजल्य देव प्रथम के बाद आता है आपका द्वितीय, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, ठीक। तो रत्नदेव द्वितीय का देखते हैं, ये इनका कार्यकाल कब तक था? ये 1120 से, कब? 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक, ठीक है, इनका शासन कार्यकाल था। तो ये क्या किए, ये जो है त्रिपुरी की जो अधीनता था ना उसको अस्वीकार कर दिए, ठीक है, त्रिपुरी की जो अधीनता था उसको क्या कर दिए, स्वीकार कर दिए, मतलब त्रिपुरी की अधीनता को मानना बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये महाप्रतापी राजा थे, इसके उत्तराधिकारी रत्नदेव द्वितीय हुए, और ये जो है इनके त्रिपुरी के जो मतलब शासन चलता था यहाँ उसको मानने से इनकार कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए त्रिपुरी के जो राजा थे, त्रिपुरी के जो राजा थे गयाकर्ण, ठीक है, त्रिपुरी के राजा, ठीक है, तो इन्होंने गयाकर्ण ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण ने कहाँ आक्रमण कर दिया, रत्नदेव के साम्राज्य में, ठीक है। तो इनको असफलता मिली, ठीक है, ये सफल नहीं हो पाए, कौन कौन सफल नहीं हो पाए, गयाकर्ण, ठीक। तो त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण ने आक्रमण किया लेकिन सफलता इनको नहीं मिली। इसी समय उड़ीसा से, ठीक है, गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, ठीक है, कौन? अनंत वर्मन या अनंत वर्मा भी लिख सकते हैं, अनंत वर्मा, ठीक है, अनंत वर्मा जो चोड़गंग थे इन्होंने भी आक्रमण कर दिया, किसके? कहाँ? रत्नदेव के शासनकाल में। इनको भी सफलता नहीं मिली, ये भी असफल हो गए, शिवरी नारायण के समीप इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया था, किसने? रत्नदेव द्वितीय ने, ठीक है, शिवरी नारायण के समीप, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है आपको। और ये जो है बंगाल के गौड़ राजाओं को भी पराजित किए थे, ठीक है, बंगाल के गौड़ राजाओं को भी पराजित किया इन्होंने, ठीक है, किसको? बंगाल के गौड़ राजाओं को भी इन्होंने पराजित किया, और हरवहू को, ठीक है, किसको? खिज्जिंग राजधानी थी, तो खिज्जिंग के जो हरवहू राजा थे, ठीक है, उनको भी पराजित किया इन्होंने, हरवहू राजा को भी पराजित किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कार्य किए अपने शासनकाल में, और इनको 36 विधाओं का ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, 36 विधाओं का ज्ञाता भी कहा जाता है इनको, ठीक, ये ध्यान रखना है। और इनका जो अभिलेख है, ठीक है, इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है, अभिलेख कहाँ से मिला? तो ये इनका पारा गांव, ठीक है, पारा गांव और अकलतरा के अभिलेख, अकलतरा में पाया गया इनका अभिलेख, ठीक है, कहाँ? पारा गांव, अकलतरा और शिवरी नारायण भी, ठीक है, कहाँ? शिवरी नारायण। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के बाद आपके आते हैं, तो चलिए रत्नदेव द्वितीय के बाद पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वीदेव, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, इनका कार्यकाल देखते हैं, ये 1100, ठीक है, 35 से, ठीक है, कब? 1135 से, ठीक है, ये इनका कार्यकाल था 1165 ईस्वी तक, ठीक है, इनका कार्यकाल था। तो चलिए हम लोग इसको, इनका देखते हैं कि ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, ठीक है, ये इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण था क्योंकि कलचुरी काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था इनका भाई, ठीक है, ध्यान रखिए, कलचुरी काल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किनके काल में हुआ? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और कहाँ कहाँ तक हुआ था? सेनापति जगतपाल के नेतृत्व में, ठीक है, इसके सेनापति कौन थे? जगतपाल, ठीक है, कौन थे? जगतपाल थे। इनके नेतृत्व में कहाँ कहाँ तक? मचका सिहावा, ठीक है, मचका सिहावा, कांकराय मतलब कांकेर, ठीक है, कांकराय, सरहागढ़ मतलब सारंगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सरहागढ़,
कांदा डोंगर, क्या कांदा डोंगर, तो इस तरह से इनका आदि और कुछ क्षेत्र था। तो इस तरह से इनका साम्राज्य विस्तार हुआ, तो देखा जा सकता है कि ये इनके कार्यकाल में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और इनके जो सेनापति जगतपाल थे वो राजीव लोचन मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराए थे, ध्यान रखिएगा किसका, राजीव लोचन मंदिर का भी जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो हमारे किसने, हमारे जगतपाल ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी व्यापम परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये राजीव लोचन मंदिर को किसने बनाया था जी, तो इसको नलवंशी शासक, ठीक है, बिलास तुंग ने बनाया था। किसको, राजीव लोचन मंदिर को, उसी का जीर्णोद्धार किसने कराया, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये एक प्रतापी राजा थे, ये चक्रकूट में आक्रमण करके वहाँ के राजधानी को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो अनंत वर्मन जो थे, ठीक है, अनंत वर्मा ये जो है भयभीत हो गए थे, ठीक है, जब चक्रकूट में आक्रमण किए ये और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिए चक्रकूट का, ठीक है। तो ये जो क्या किए, ये जो है भयभीत होकर के किसने, अनंत वर्मन ने, समुद्र तट भाग गए, समुद्र तट चले गए, ठीक है, समुद्र तट चले गए। और ये जो है अनंत वर्मा का पुत्र हुआ मधुका, मधुका मानव, ठीक है, मधुका मानव जटेश्वर हुआ, ठीक है। तो मधुका मानव जटेश्वर को भी इन्होंने पराजित किया, किसने, किसने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, मधुका मानव जटेश्वर को भी, ये अनंत वर्मन के पुत्र थे, ये ध्यान रखना, अनंत वर्मन के पुत्र कौन, मधुका मानव जटेश्वर, इसको भी किसने पराजित कर दिया, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने पराजित कर दिया, ठीक है। और ये पृथ्वीदेव द्वितीय जो है गंग राजाओं को भी पराजित किए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य किया, तो रतनपुर में किला बनाया इन्होंने, ठीक है, रतनपुर के किला का निर्माण इन्होंने किया, रतनपुर के किला का, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या नाम जाना जाता है, गज किला के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। रतनपुर के किला जिसे किस किला के नाम से जाना जाता है, गज किला, जिसका निर्माण किसने किया, पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया। और इन्होंने खारंग झील का निर्माण किया, ठीक है, किसका, खारंग झील, ठीक, और खड़क तालाब इत्यादि के इन्होंने निर्माण किया, निर्माण कार्य करवाया, ठीक है, किसने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद चलिए हम देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जो है आपका आता है जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है। इनका कार्यकाल देख लेते हैं कि ये जो है 1165 से, कब, 1165 ईस्वी से ये 1100, ठीक है, 1178 ईस्वी तक, ठीक है, कब, 78 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका बस इतना ध्यान रखना है कि जाजल्यदेव द्वितीय जो थे, इसके लिए जो है त्रिपुरी के, कौन, त्रिपुरी के जय सिंह ने इसके कार्यकाल में आक्रमण किया था, ठीक है, किसने, त्रिपुरी के जय सिंह ने। तो इस समय जो जाजल्यदेव के जो वो थे सेनापति, ठीक है, मतलब उनके जो सेना की तरफ से लड़ रहे थे प्रमुख, ठीक है, तो वो अल्हड़देव थे, और अल्हड़देव जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है, इस समय इतना ध्यान रखना है किसके बारे में, जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में, ठीक है। अब जाजल्यदेव द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बड़े भाई जो होते हैं जगतदेव, कौन, जगतदेव, ठीक है, इनके द्वितीय, इनके जो भाई हैं बड़े भाई जगतदेव, तो ये जगतदेव जो है 1168 के बाद, ठीक है, मतलब 68 से बाद 69-70 ऐसे कुछ में आ जाते हैं, और ये जो है शासन का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये जो है, ठीक है, गंग राजाओं के दमन हेतु निकले थे ये, ठीक है, किसके, गंग राजाओं के दमन हेतु निकल गए बाद में ये, ठीक है, कौन, ये हमारे जगतदेव आपके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जाजल्यदेव के बाद अब, ठीक है, जाजल्यदेव के बाद आते हैं रत्नदेव तृतीय, कौन सा, रत्नदेव तृतीय, ठीक है, रत्नदेव तृतीय का कार्यकाल देखते हैं हम लोग कब तक है। तो ये जो है 1178 से लेके, ठीक है, 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक, ठीक है, कब तक, 1198 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है, रत्नदेव तृतीय ने। तो रत्नदेव तृतीय का हम लोग जब देखते हैं तो इसमें जो है बस इतना ध्यान रखना है कि रत्नदेव तृतीय के काल में अराजकता फैल गई थी, ठीक है, क्या, अराजकता फैल गई थी। और इस अराजकता को बंद कराने के लिए, ठीक है, अराजकता को बंद कराने के लिए आपका जो इसके जो गंगाधर राव था, ठीक है, क्या, गंगाधर राव था, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है, क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था, ताकि ये वाला जो कार्यकाल है, ठीक है, जो अराजकता है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, इसलिए गंगाधर राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। और अराजकता जो फैली थी उसमें काफ़ी हद तक
कमी आई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो सेनापति थे, मतलब ये जो गंगाधर राव थे, ठीक है, ये खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है, खरौद के जो लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर भी कहते हैं, ठीक है, तो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है या लखनेश्वर, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। किसने कराया था? तो आपके किसने, रत्नदेव द्वितीय के, सॉरी रत्नदेव तृतीय के सेनापति किसने, गंगाधर राव ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रतापमल, ठीक है, कौन सा प्रतापमल। प्रतापमल के बाद अंधकार युग आ जाएगा, ठीक है, तो प्रतापमल का देखते हैं हम लोग। प्रतापमल जो हैं, ठीक है, ये भी कम उम्र के शासक थे और ये शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इनका कार्यकाल देख लेते हैं, 1198 से 1198 ईस्वी से 1222 ईस्वी तक, ठीक है, 1222 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, ठीक है, किसका, प्रतापमल का। तो प्रतापमल का ये सबसे, ये क्या है, कम उम्र के थे और प्रतापी शासक थे ये भी, ठीक है, ये भी प्रतापी शासक थे। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने चक्राकार और षटकोणाकार सिक्का जारी किए थे, ठीक है, चक्राकार और चक्राकार और षटकोणाकार, ठीक है, षटकोणाकार आकार का इन्होंने सिक्का जारी किया था जिसपे, ठीक है, ये किन्हें, किसने, प्रतापमल ने, ठीक है, और सिंह और कटार की आकृति उसमें अंकित था, ठीक है, किसका, सिंह और कटार की आकृति, ठीक है। इसके भी तीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, पेंड्राबंध कोनारी, ठीक है, ये जो हैं इनके ताम्रपत्र हैं। यहाँ के ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि ये एक शक्तिशाली शासक थे और कम उम्र के थे, लेकिन फिर भी ये क्या थे, शक्तिशाली थे कुछ क्षेत्र का जिसमें इनका वीरता का पता चलता है, वो इस ताम्रपत्र से हमको मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ दिन बाद, ठीक है, अंधकार मतलब बहुत सारे दिन बाद जो है, लगभग 200 से 300 वर्षों तक ये कलचुरी काल की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता है हमको, ठीक है, तो इसलिए उसको अंधकार युग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है, थैंक यू।